सीधे आपको लेकर चलते हैं अब महाराष्ट्र मुंबई से। रौनक कुकड़े हमारे साथ हैं। रौनक, नारायण राणे, हिना गावित, ये दो नाम सामने आ रहे हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि साहब इनको तो न्योता मिल गया है। और हमने तस्वीरें भी देख ली, नारायण राणे पणजी में थे, वहां से पत्नी के साथ रवाना भी हो गए। सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि सीधे दिल्ली के लिए निकले हैं, मतलब मुंबई में रुकेंगे भी नहीं, सीधे पणजी टू दिल्ली, यही अपडेट है। जी निश्चित तौर पर रोमाना, जो जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली थी वो ये थी कि नारायण राणे को दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से फोन आया और दिल्ली बुलाया। आज दोपहर वो करीब 1:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन हिना गावित के संदर्भ में एक अपडेट आपको देना चाहूंगा कि हिना गावित से अभी थोड़ी देर पहले ही एबीपी न्यूज ने बात की है, क्योंकि हमें ये सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उन्हें भी दिल्ली से बुलावा आ चुका है। लेकिन उन्होंने अभी इस बात की अपडेट दी है कि उन्हें इस तरह का फोन जो है वो दिल्ली से कैबिनेट विस्तार के संदर्भ में अब तक नहीं आया है, वो अपने चुनाव क्षेत्र में है। लेकिन ये बात है कि हिना गावित का नाम उन संभावित लोगों में हो सकता है जो मंत्रिमंडल में, मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती है। हिना गावित के बारे में रोमाना आपको जानकारी दे दूं, दर्शकों को जानकारी दे दूं, मैं लौटूंगी दो बार तो आपसे आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर जो रौनक कुकड़े दे रहे हैं कि हिना गावित की तरफ से एबीपी न्यूज से ऑन रिकॉर्ड ये बात कही गई है कि साहब अभी तक उन्हें दिल्ली से कोई बुलावा नहीं आया है। ABP News, आपको रखे आगे।